हमारे चैनल्स पर आप सभी का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला, उसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सभी दोस्तों आपके डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, हम आज महिंद्रा करोना 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें कि स्पेशली जो कि इंडिया मार्केट में महिंद्रा के व्हीकल्स पर काम करने के लिए बनाया गया है, चाहे वह कार सेगमेंट हो या कॉमर्शियल व्हीकल हो या LCV व्हीकल हो। इसमें हम एक आज आपको खास बात भी बताने जा रहे हैं, उस खास बात को जानने के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आइए हम बात करते हैं। जैसा कि आपको आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, हमने महिंद्रा कार्स की सभी सॉफ्टवेयर्स को इसमें डाउनलोड करके रखा हुआ है। महिंद्रा डायग्नोस्टिक है, महिंद्रा आई फ्लैश है, महिंद्रा स्मार्ट है, डेल्फी के ECMs के लिए जो कोडिंग और फ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है वो है सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है। आइए हम सबसे पहले महिंद्रा के डायग्नोस्टिक ऐप पर जाते हैं। ओपन करने के लिए हमें नाम को सेलेक्ट करना होता है, जो कि सॉफ्टवेयर के लाइसेंस से जुड़ा रहता है। इसमें आपको सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए दो बातें ध्यान रखनी चाहिए, पहला आपका लाइसेंस एक्टिवेट होना चाहिए और दूसरा कि आपका डिवाइस लैपटॉप से कनेक्ट होना चाहिए। लैपटॉप से कनेक्ट होने के बाद ही आपका यह लाइसेंस या सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन होगा। ओके करने के बाद में आपका ये जो डिस्प्ले है, ये सॉफ्टवेयर का मेन पेज है, जिसमें आपको राइट हैंड साइड में सभी गाड़ियों के मॉडल्स आपको दिए हुए हैं, जैसे कि आप वर्किंग में आप सेलेक्ट कर सकते हैं XUV 500, TOV 300, XUV 100, इनोवा स्पोर्ट्स, बोलेरो, स्कॉर्पियो, जाइलो। कार सेगमेंट के साथ में आपको LCV व्हीकल, जो कि लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए भी काम आती है, उन सभी का भी इसमें सॉफ्टवेयर मिलेगा, क्योंकि ये स्पेशली महिंद्रा है और ये ओनली फॉर महिंद्रा की कंपनियों में ही काम करेगा। इसमें आपको अभी लेटेस्ट वर्जन BS6 भी सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग मिलता है, जैसे कि आप इसमें आने वाले मार्केट में या जो मार्केट में गाड़ियाँ आ चुकी हैं उसमें भी आप काम कर सकते हो। जैसा कि आपको मॉडल्स के बारे में दिखाया जा रहा है, इसमें आपको BS6 BS4 के साथ में आपको डोजर एक्चुएशन जो अभी BS6 में आ गया है, यूरिया के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, डोजर एक्चुएशन हो जाएगा, कैलिब्रेशन हो जाएगा, ओवरराइड टेस्ट हो जाएगा, ये सभी आपको मिलता है। जैसा कि आपके डिस्प्ले में दिखाई जा रहा है, हमने आपको अभी मॉडल सेलेक्ट किया है XUV 300 का, उसमें BS4 एंड BS6 दोनों मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, जैसे आप इसमें काम कर सकते हो, जो कि महिंद्रा का वन ऑफ द बेस्ट टूल है। इसमें आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आती, आप इसमें डायग्नोस्टिक के साथ साथ लाइव डाटा, पैरामीटर्स टेस्टिंग, फॉल्ट कोड को इरेज करने का काम हो गया, ECM कैलिब्रेशन का काम हो गया, ECM वर्किंग का काम हो गया, फ्लैशिंग का काम हो गया। अगर मान लो आपका वर्किंग करने के टाइम में ECM लॉक हो जाता है तो जो कोड की ज़रूरत पड़ती है वो भी आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टूल है और ये तो फेमस टूल है, ज़्यादा तो इसके बारे में डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में सभी को नॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट टूल है महिंद्रा का। इसके साथ ही हम आपको जो बताने जा रहे थे, आज का स्पेशली जो टूल है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इसमें हम महिंद्रा करुणा के लिए जो स्पेशली आता है, इसमें हम TDS का जो सॉफ्टवेयर, TDS मतलब टाटा के व्हीकल्स का भी हम इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, टाटा का इसमें सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, चाहे वह कार सेगमेंट का हो या ट्रक सेगमेंट का हो, 12 वोल्ट हो या 24 वोल्ट हो, हम इसमें चालू कर सकते हैं। इसमें आपको दिखाता है टाटा की डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर हमने इसमें डाउनलोड की हुई है, जैसा कि आपके डिस्प्ले में दिखा रहा है कि हमने गरुड़ा से लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है और अब हम इसमें गरुड़ा के साथ साथ महिंद्रा व्हीकल्स के साथ साथ टाटा व्हीकल्स के भी डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि कार सेगमेंट और ट्रक सेगमेंट दोनों में अवेलेबल है। ट्रक सेगमेंट LCV व्हीकल, 12 वोल्ट सभी में अवेलेबल है। आइए हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से जानते हैं। जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है कि व्हीकल के बारे में बताया गया है, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, कौन सा कनेक्शन इसमें है और इसमें कौन सा वर्जन आपके चालू हो रहा है, जो कि अभी 7.24 व्हीकल TDS का वर्जन अवेलेबल है। इसमें BS4 इंक्लूडिंग है, BS6 इंक्लूडिंग है और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आपका इसमें आ चुका है। BS4 में आपको लिस्ट में दिखा रहा है, S कवर कर रहा है, सुपर S कवर कर रहा है, पिकअप कवर कर रहा है, प्राइमा, अल्ट्रा जैसे व्हीकल्स भी आपको कवर कर लिए, जो कि टाटा में बनाई जाती है। BS4 के अलावा BS6 भी आपको इंक्लूडिंग दिख रहा है, जिसमें बसेस की है, महिंद्रा की व्हीकल है, LCV व्हीकल है और सिग्ना और प्राइमा जो कि अभी BS6 टाटा ने लॉन्च की हुई है, वो आपका इसमें आ चुका है। जैसा कि आपके सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, टाटा के लिए LCV व्हीकल में अभी तक कोई सॉफ्टवेयर आया नहीं था जो एक साथ ट्रकों में भी काम कर सके और LCV व्हीकल में भी काम कर सके। अब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर आ चुका है। अगर आपके पास टाटा गरुणा मतलब सॉरी महिंद्रा गरुणा आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप उसमें टाटा का सॉफ्टवेयर डलवा सकते हैं, जिसमें आप LCV व्हीकल का भी सॉफ्टवेयर डलवा सकते हैं और ट्रक्स 24 वोल्ट में भी आप काम कर सकते हैं टाटा के लिए सॉफ्टवेयर में। बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही अच्छा काम है अभी इसका। सबसे अच्छी बात जो मार्केट में अभी आनी चाहिए, BS4 BS6 की जो गाड़ियाँ आती है, जिसमें आपको डोजर एक्चुएशन, यूरिया के बारे में तकलीफ होती है, मार्केट में काम करने में दिक्कत आती है, तो आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए टाटा महिंद्रा दोनों का काम इसमें इजीली से काम कर सकते हैं, जो कि आपका बहुत ही अच्छा है, सपोर्टेड है, हमारी ऑनलाइन सपोर्ट भी रहती है, जहां तक हम पॉसिबल हो सकता है वहां तक आपको पॉसिबल सपोर्ट करते हैं।
और भी अपने हमारे पास जो भी डिटेल्स आती है वो हमारे सॉफ्टवेयर पे बनी रहती है। इसी तरह और भी हम आपको कोई भी अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जानकारी है या कोई भी सपोर्ट है या कोई भी डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में अगर आपसे हमसे आप जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक टूल्स आपको सभी कंपनी की मिल जाएगी, चाहे वो लॉन्च हो, एक्सटूल हो, कारमेन हो, आपका आउटेल हो गया, इन सभी ब्रांडिंग हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं, टूल्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल कीजिए और व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी वीडियो को इसी तरह से आप सभी का प्यार और सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद।